हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल मुकेश सर। फ्रेंड्स, आज हम आपके माइंड में से जो डर है वो निकालने वाले। भाई, सिंपल सेंटेंस करने के लिए कहा तो बहुत सारे स्टूडेंट सर पे हाथ मार लेते, भाई कैसे करें। तो यार, डरने की कोई बात नहीं, आज आपको बहुत ही सिंपलेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं कि दिए गए सेंटेंस को सिंपल करना है। फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, यानी कि कंडीशनल क्लॉज का अगर सेंटेंस है, तो इसे सिंपल करते समय बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या ट्रिक होगा। अब जब आपको इफ का सेंटेंस दिया होगा तो उसे सिंपल करते समय आपको क्या करना है, ये जो वर्ब होगा सेंटेंस का, ठीक है ना, इफ वाले सेंटेंस में, उसे पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है, यानी कि फॉलो को आईएनजी लगाना है। भाई कुछ करना नहीं है, पार्टिसिपल मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसे आईएनजी लगा दो, यानी कि फॉलोइंग माय एडवाइस। देखिए बस वैसे के वैसे सेंटेंस है, फॉलोइंग माय एडवाइस यू विल सक्सीड। अरे हो गया भैया, सिंपल तो हो गया कब का, फॉलोइंग लिखते समय ही सिंपल हो गया। देखिए, फॉलोइंग माई एडवाइस यू विल सक्सीड, है ना सिंपल। अब देखिए, अगर सेंटेंस निगेटिव रहा तो भी कोई डरने की बात नहीं दोस्तों, बस क्या करना है आपको, नॉट लिख देना है, ये तो निकल जाएगा पूरा। ये वर्ब था, इसे हमने आईएनजी में कर दिया, यानी कि नॉट फॉलोइंग माई एडवाइस, बस बाकी सेंटेंस जैसा वैसा लिख दो यार, आग बंद करके। अरे आप कहेंगे आग बंद करके कैसे लिखना है सर, तो मतलब है कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है ना। देखिए, नॉट फॉलोइंग माई एडवाइस यू वोंट सक्सेस, या फिर आप दोनों तरफ के नॉट निकाल दो, वही है मतलब, है ना, फॉलोइंग माई एडवाइस यू विल सक्सीड। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ ग्रामर का पूरा डर आपका निकालने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।